ये देखो डेली सफाई हो रही है इसमें, ये देखो कैसे सफाई कर रहा है भाई। ये देखो ये उठा के अंदर डाला। ओ भाई साहब ये देखो ये फूटा, मैं अभी आपको दिखाता हूँ लाइव। ये देखो ये फूट रहा है, ये देखो। ओ भाई यो 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 इट्स योर बॉय गौरव ज़ोन इन द हाउस बेबी। तो कैसे आप लोग? तो आज बना है कुछ बढ़िया सा खाना, छोले कढ़ाई पनीर और डॉलर। देखो कैसे भाग क्या है आवाज सुन के। आज का ब्लॉग बहुत ज्यादा औसम होने वाला है क्योंकि अब हम निकल रहे हैं चंडीगढ़ के लिए। और इस ब्लॉग के लिए मैं बहुत दिन से तैयारी कर रहा था क्योंकि इसमें हमें पता चलेगा पूरा अंडे का फंडा। आओ सिखाऊं तुम्हें अंडे का फंडा। अंडे कहाँ से आते हैं और कैसे आते हैं, कैसे चिक्स निकलती हैं, पूरा प्रोसेस। यार मैं इसके लिए बहुत एक्साइटेड था जानने के लिए, तो ये ब्लॉग बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। चलें भाई रोटी बना ली। बस बस बन गई बन गई। तो अभी मैं आया ड्राइव थ्रू में, ये KFC लेते हैं यहाँ से। अरे भाई ठीक है लेंगे, ले भी लेंगे, बर्गर लेंगे ब्रो। भाई वेज जिंगर और वेज राइस। तो पहली विंडो से मैंने ऑर्डर दे दिया, अब दूसरी विंडो से ऑर्डर मिलेगा। तो अब इस विंडो पे आएगा ऑर्डर, तो मैं इस गाड़ी के पीछे लगा लेता हूँ, वेट करता हूँ। तो डॉलर को पहले खाने की लग रही है। अबे रुक जा कुत्ते, KFC नहीं खाते। तो भाई अपना ऑर्डर आ गया। लो जी भैया शुक्रिया भैया। ओके ठीक है भाई। तो अभी हमारा ब्रेकफास्ट आ गया, ये रहा बर्गर और ये है वेज स्ट्रिप्स। लेकिन ये बहुत ज्यादा ऑयली है, पता नहीं इन्होंने कैसे बनाई है। देख रहे हो ऑयली ऑयल निकल रहा है। ये मैंने लिए हैं साथ में ये चावल। कैसा लग रहा है? तो अभी मैं आ गया हूँ पोल्ट्री फार्म के बाहर। तो अभी मैं आया हूँ न्यू वर्मा रिसर्च एंड ब्रीडिंग फार्म। ये है भाई रिसर्च सेंटर भी है क्या? हाँ जी रिसर्च भी होती है मुर्गियों पे। हाँ जी मुर्गियों पे क्या रिसर्च होती है भाई? चिक्स पे भी होती है। अच्छा हाँ जी ब्रीडिंग देखते हैं उसकी। कोई बोलता है कि जब हम पैर रखते हैं ना हमें लेके नहीं जाना होता। अच्छा अच्छा तो इस करके हमारे को इसके अंदर से निकल के जाना होगा। तो इसमें पैर साफ होंगे, जूते साफ होंगे ताकि गंदगी ना जाए। तो मैं आपको पूरा प्रोसेस एक बार ही समझा दूं ताकि आपको वीडियो में समझ आएगा कि सबसे पहले ये खरीदते हैं छोटे से चिक, ठीक है, वो हाई क्वालिटी के खरीदते हैं, फिर उसको फीड दे दे के बड़ा करते हैं, और फिर उनसे क्या करते हैं, उनसे बच्चे निकलवाते हैं, और फिर वो जो बच्चे होते हैं वो सेल करते हैं, ठीक है। इनका खाने वाले अंडे का काम नहीं है, इनको चिक्स बनाते हैं और चिक्स ही सेल करते हैं छोटे छोटे। तो अभी सबसे पहला प्रोसेस जब ये छोटे से चिक खरीद के लाते हैं तो इसमें रखते हैं, वो छोटे चिक को यहाँ पे बड़ा करते हैं। ये जो 5 हफ्ते का हो जाएगा तो हम उधर लेंगे, शेड पे ट्रांसफर कर लेते हैं। कितने दिन में बड़े हो जाते हैं ये? अभी 20 वीक यहाँ रखना है, 20 वीक के बाद वहाँ चला जाएगा जो लैंग शेड होता है। और यहाँ पे 15,000 फीमेल और 1500 मेल है। अभी हम आ गए हैं शेड में, क्या बोलते हैं इसको? ये ब्रीडिंग फार्म है, लैंग शेड होता है इसको। अच्छा, लैंग शेड बोलते हैं। यहाँ मुर्गी अंडा देता है। तो ये सारी मुर्गियाँ हैं, ये अंडा देंगी और इन्हीं के अंडे फिर ये सेल करेंगे आगे, वो मैं दिखाऊं पूरा प्रोसेस। चिक्स निकलेगा, चिक्स सेल करेंगे। ठीक है चिक्स सेल करेंगे मुर्गी है। तो ये मुर्गी आप खरीदते हो? हम छोटा बच्चा तो ये छोटी चिक्स खरीदते हैं, उसको बड़ा करते हैं, फिर इनके अंडे निकलेंगे। ये पानी देता है यहाँ पर, ये ऐसे करके पानी निकलेगा। यहाँ दाना फूटा होता है। खुदी ये कुछ चोंच मारेंगे इस समय। ये तो ये देखो ये यहाँ पे निपल आया, ये चोंच मारा पानी आ गया। तो ये खुद ही चोंच मार देते हैं जब इन्हें पानी पीना होता है। ये देखो यही अंडे देंगे और यहाँ अंडे बाहर आ जाएंगे। और ये जो अंडे का कलर है ये है ब्राउन। अंडे तो बाहर व्हाइट आते हैं। अच्छा ये तो वैसे वाले चिक वाले लेयर अंडा होता है, खाने के लिए होता है। इसमें से चिक ही निकलेंगे, ये खाने वाला अंडा नहीं है। ये मेल है, सिंगल सिंगल जो दिख रहा है। हाँ और ये फीमेल होता है। अच्छा फीमेल को नीचे रखा है। ये 10 फीमेल के लिए एक मेल है। अच्छा 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 बहुत ही बढ़िया, जन्नत में बेटा। तो ये देखो फीमेल ने दिया है एक अंडा, ये रहा अंडा। फिर अंडा लेके भाग जाऊं भाग जाऊं। ये देखो डेली सफाई हो रही है इसमें, ये देखो कैसे सफाई कर रहा है भाई, बहुत ही बढ़िया। कपड़ा मार के ले जा रहा है, ऊपर तो डब्बा लगा रखा है। मुर्गा काटता है, चोंच मारता है उसका। अच्छा अच्छा हाँ वो चोंच मार रही है। हाँ पूरा मांस उखाड़ देता है। देख लो इनकी जो चोंच है ब्लेड जैसी होती है, मांस तक निकाल देती है। मांस तो निकाल देता है। तुम्हारा निकाला? हमारा काफी निकला हुआ है। चोंच मार। और इसका टेम्परेचर कितना मेंटेन? 24 से लेकर 28 डिग्री चाहिए, सर्दी हो गर्मी हो। अच्छा तो
2 महीने रखेगा तब इसका प्रश्न अच्छा आएगा, नहीं तो मोटरडी हो जाता है और 28 ऊपर चला गया तो चंबर तो बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे इंजेक्शन से इंजेक्ट कर रहे हैं बच्चे फीमेल में, ठीक है ये देखो। फिर कितने दिन बाद अंडे दे देगा ये? अंडा डेली देगा, अगर एक दिन में डेली अंडा देता ही है, लेकिन थोड़ा बच्चा निकलने के लिए ये इंजेक्ट करना जरूरी है। मेल का स्टमक निकल कर फीमेल में इंजेक्ट करेगा तभी बच्चा निकलेगा, तो ये रूटीन चलते रहेगा, नहीं तो अंडा आएगा लेकिन बच्चा नहीं निकलेगा। तो मेल और फीमेल डेली आता है, जैसे दाना खाएगा अंडा देगा ये। तो गाइस मेरे दिमाग में एक मिथ थी कि जो व्हाइट अंडा और येलो जो चिक वाला अंडा है इसमें फर्क क्या है भाई? जो व्हाइट वाला अंडा, व्हाइट वाला अंडा होता है उसका फीड उतना क्वेश्चन नहीं होता, उसको इतना टेम्परेचर नहीं चाहिए, तो हमारा फिर मुर्गी दाना खाएगी और अंडा देगा, उसको 2.5 रुपए से लेकर 3 रुपए खर्चा होता है एक अंडा तैयार करने में। तो हमारा का खर्चा बढ़ता है, ये चिक वाला अंडा है इसको तैयार करने में 22 से लेकर 25 रुपए पर अंडा खर्चा होता है, इसमें वो भी चाहिए। तो इसके लिए इसका सेल होगा और उसका रेट अगर 25 के प्लस जाएगा तब हमारा कमाई है, अगर 25 से नीचे जाएगा हमारा लॉस होता है। तो इन शॉर्ट यही है कि अगर मुर्गी को अगर स्पर्म इंजेक्ट नहीं करोगे तो वाइट अंडा देगी, जो हम खाते हैं स्पर्म इंजेक्ट कर दोगे तो चिक वाला अंडा देगी। तो ये जो जगह ये नीलो खेड़ी है, तो कितने शेड है यहाँ पे? टोटल 11 शेड है हमारे पास, टोटल 11 शेड है। एक ये रहा अभी मैं इसमें से निकला हूँ, एक वो रहा, एक ये रहा और पीछे तक है, तेरे में ये सबसे बड़ा फार्म है। अभी मैं आया हूँ जो मुर्गों को मुर्गियों को जो फीड खिलाते हैं ताकि वो बढ़िया अंडा दे, तो ये फीड होती है, पूरा गोदाम भरा पड़ा है। क्या क्या खिलाते हो भाई इसको फीड में? वैसे ये फीड है, ये रेडीमेड फीड आता है, मक्का सोया सब मिक्स करके बना होता है। अच्छा। इसमें काफी मेडिसिन वगैरह होता है, ये गोदरेज कंपनी का हमारे पास आता है। अच्छा, गोदरेज कंपनी का जी। अच्छा, वो तो फ्रिज बनाती थी? नहीं नहीं, उसका फीड का भी अलग है। अच्छा, तो ये अलग अलग फीड का है, तोल के यहाँ तोल के वजन करवा के जाते हैं। तो एक दिन में कितना मुर्गा मुर्गी में कितने किलो का फीड लग जाता है, कोई आइडिया? तो 50 किलो का 200 बैग डेली लगता है। तो मतलब 50 किलो का रफली 200 बैग 200 बैग तो 50 × 200 कर लो भाई, मैं सबकी स्ट्रॉन्ग होगी। फार्म से आने के बाद कहाँ जाता है अंडा? सीधा इसके अंदर आ जाता है और ये फेमिकेशन रूम बना रखा है। ये फेमिकेशन रूम अंदर पोटाश और फॉर्मोलिन का बराबर का मिक्स करवा के अंडा गैस करवाता है। उससे गैस करने से अंडा के ऊपर जो भी कोई बैक्टीरिया वायरस जो भी है वो मर जाएगा। अच्छा, उसके बाद अंडा मैं एकदम कोल्ड रूम में। कोल्ड रूम, तो हमें इसमें शूज उतार के जाने पड़ेंगे। सबसे पहले शूज उतार के चप्पल पहनेंगे, भी आए हम हैचरी में। तो ये फार्म से अंडा यहाँ पे आता है और ये देखो नंबरिंग, भाई नंबरिंग क्या होता है? फिर उसके बाद कोल्ड रूम में जाता है भाई, ये कोल्ड रूम है जैसे अंडे का वो उसका होता है, आलू का कोल्ड रूम। हाँ जी, ऐसे इसमें 2 AC लगा हुआ है, इसमें 16 डिग्री टेम्परेचर, 16 डिग्री मेंटेन चाहिए अंडे को, ठंड बहुत है यहाँ पे। हाँ भाई, अंडा ठंडा पड़ा है पूरा। जो गाइस बेसिकली 2 साइज के अंडे, ये बड़ा साइज है, जो येलो की जो होता है ये 2 होता है इसके अंदर। ये देखो साइज देखो कितना फर्क है। योक होता ना? हाँ, योक होता ना, वो डबल होता है। अच्छा, दो इसके अंदर सिंगल होगा, इसके अंदर डबल। अच्छा, वो दो येलो वाले पार्ट निकलते हैं ना, इसमें निकलते हैं, इसमें चिक्स निकलेगा, इसमें नहीं निकलेगा, इसलिए हम ये सेल कर लेते हैं खाने के लिए। अच्छा, ये खाने के लिए है। अभी वहाँ जो कोल्ड रूम था, कोल्ड रूम से आने के बाद यहाँ कोल्ड रूम से अंडे आ गए, अब ये जाएंगे इसमें आर्टिफिशियल, क्या कहते हैं इसको, इंक्यूबेटर। तो इसमें आर्टिफिशियल इसलिए बोलते हैं क्योंकि अंडे को इसमें रखेंगे और नेचुरल आर्टिफिशियली इसको गर्मी प्रोवाइड करेंगे, सनलाइट प्रोवाइड करेंगे, ताकि अंडे को लगे कि वो मुर्गी के नीचे बैठा और 18 दिन बाद वो अंडा फूटे और मुर्गी निकले। ये देखो, ये उठा के अंदर डाला, ओ भाई साहब, ये हर एक अंडे के बाद इसको ट्रेनिंग होता रहेगा। अच्छा अच्छा, ए साइड और बी साइड और टेम्परेचर बराबर मिलने के लिए। तो ये सारे आर्टिफिशियल इंक्यूबेटर्स हैं। तो टोटल कितने अंडे रहते हैं एक टाइम पे इंक्यूबेटर्स पे पूरे हॉल? 20,000। अब जो आर्टिफिशियल इंक्यूबेटर से 18 दिन अंडे रहने के बाद यहाँ पे आ जाएंगे और 3 दिन यहाँ पे रहेंगे और यहाँ पे अंडे फूटते हैं। देखो अंडे फूटे पड़े हैं। वाह, ये देखो ये छोटे छोटे चूजे, तो ये अभी ये 24 घंटे के भी नहीं हुए हैं, ये देखो छोटे छोटे से, और ये शाम तक इसकी डिलीवरी भी हो जाएगी जहाँ पे ये डिलीवर होंगे। ये देखो ये फूटा, मैं अभी आपको दिखाता हूँ लाइव, ये देखो ये फूट रहा है, ये धीरे धीरे निकल रहा है, देख रहे हो ऐसे 3 दिन में फटफट के आ जाएंगे बाहर। ये वाला अंडा देखो, ये देखो ये वाला टूटा, ये देखो ये टूटेगा। ये देखो भाई अंडे फूट फूट के आए जा रहे ये देखो, ए पहलो भाई कैसे लग रहे हैं मम्मी, ये देखो अंडे में तो फूट फूट के निकल रहे हैं और इनकी कई होगी तो आगे तक नहीं खुली है अभी। ये देखो एक्सेल, ये ऐसे फूट के आया है, ये देखो एक एक्सेल दिखाऊं तो पूरा खोखला पड़ा है, ये ऐसे फूट फूट के बाहर आ गए, 6 नंबर बाहर आ गया है, ये देखो छोटे से, ए
हेलो बोल, कितने कितने के बॉक्स में पैकिंग होता है भाई? 15-15 का खंडा है और 15-15 30 45 60 60 का पैकिंग होता है। तो 15 आएंगे और फिर ये पूरा बॉक्स हो जाएगा डिलीवर। और कहाँ कहाँ डिलीवर होता है भाई जी? ये जहाँ जहाँ बुकिंग एडवांस बुकिंग होता है वो कभी पंजाब है, कभी यूपी है, कभी हरियाणा वाला लोकल है, जहाँ बुकिंग है वो हिसाब से अपना डिलीवर कर सकते हैं। एक दिन में कितने डिलीवर हो जाते हैं? ये हमारा 20,000 का है डेली का। 20,000 चिक्स। ये देखो ऐसे बल्ली हैं ये पूरे चिक्स। ये देखो घाटे सी बना लिए इन्होंने, ग्रुप से बना लिए भाई। ये जुदा हो गया, ये इसको बाहर छोड़ देगी, इसको ग्रुप में नहीं लो, ये बैठा हो, ये राजा है तुम्हारे ग्रुप का। ये देखो पूरा पैकिंग बॉक्स तैयार हो रहा है इस जगह। तो ये काफ़ी अमेजिंग चीज़ है, इसके बाद ये बाहर डिस्पैच हो जाएंगे जिस जिस सिटी में ये जाएंगे। तो अब मेरा जो डाउट है वो क्लियर हो गया। जो खाने वाला अंडा है वो वेजी होता है, जैसे दूध की तरह, बस गाय खाना खा रही है और निकाल रही है दूध, ऐसी ही मुर्गी खाना खा रही है और अंडा निकाल रही है, बट उसमें स्पर्म नहीं लग रहा, बट जिसमें स्पर्म लग रहा है वो बच्चा करके निकाल रही है चिक, जो ये सेल करते हैं। तो मैं भाई का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, इन्होंने मेरे को पूरा घुमाया। और किसी को भी फार्म स्टार्ट करना है तो इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकता है, इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। थैंक यू भाई, थैंक यू। तो अभी मैं वैरायटी कनाल में डॉग्स देखने आया था, तो डॉलर की हालत देखो, डॉलर उसकी, ये देखो ओए। तो इस वैरायटी कनाल पे मैंने पहले व्लॉग बनाया, जिसने नहीं देखा डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, जाके चेक करना। तो ये सारे ब्रीडिंग कराते हैं, अभी सारी ब्रीड होगी ना आप पे? हाँ जी, हाँ जी। जो 5 लाख का ले रहे को कह रहे थे कौन सा? उन्होंने अभी जर्मन शेफर्ड मंगाया, ये है 5 लाख। कहाँ से मंगाया? जर्मनी। जर्मनी से। ये देखो वाह कितना अमेजिंग है, सिर्फ 5 मंथ का भाई, लग नहीं रहा भाई। इन पे सारी प्योर ब्रीड्स मिलती है। ये देखो डॉलर, डॉलर डर गया, देखो देखो मेरे पास आ रहा है। तो अभी सबसे खतरनाक डॉग इन पे ये है, इसके नाखून देखो भाई, नाखून देख रहे हो, ये है अकीता। तो इसका ब्लॉग डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, पूरी वैरायटी के जो, तो जितने भी डॉग्स है मैंने पूरे कवर करे थे, देख लेना। तो गाइस अभी मैं आ गया हूँ, गुड़गांव से भी आ गया, और मैं अभी दिल्ली से बाहर जा रहा हूँ, और सिर्फ सुपर बाइक लेने के लिए जा रहा हूँ। तो आज मेरी बाइक वहाँ से टो होगी जो शोरूम है, और फिर वहाँ से जाएगी वो जो भी है वो नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा। तो जगह देखो, अभी मैं बहुत दूर आ गया हूँ दिल्ली से, और अभी भी मेरे को आधा घंटा लग गया। तो इसका पूरा डिलीवरी का मैं व्लॉग बना के डालूंगा नेक्स्ट व्लॉग में, और उसकी अभी अपडेट सबसे पहले मैं इंस्टाग्राम पे डाल चुका हूँ, शायद जब तक व्लॉग होगा आप पोस्ट देख चुके होंगे मेरी सुपर बाइक का। तो जाओ फटाफट इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, आप ये देख सकते हो, और अगला जो व्लॉग आएगा सुपर बाइक डिलीवरी का आएगा। तो वो सब देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाल कलर का बटन दो, और सब्सक्राइब करने के बाद ये बेल ऑप्शन दबा दो, उससे क्या होगा जैसे मैं वो व्लॉग डालूंगा आप पे नोटिफिकेशन आ जाएगी और आप सबसे पहले देख पाओगे।